चलिए रुक करेंगे खबरों का। इसी साल होने वाले लोकसभा चुनाव के लिए कोई भी पार्टी अपने प्रचार में कोई कमी नहीं छोड़ना चाहती। कल कोलकाता में तृणमूल कांग्रेस अध्यक्ष ममता बनर्जी की रैली में विपक्ष ने एकजुटता का आह्वान किया और बीजेपी दिल्ली के रामलीला मैदान से अपनी शक्ति प्रदर्शन दिखाने की कोशिश की गई। बीजेपी ने शक्ति प्रदर्शन के लिए आज रामलीला मैदान में विजय संकल्प रैली का आयोजन किया। रैली में युवा मोर्चा के पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष अनुराग ठाकुर, भाजपा युवा मोर्चा के राष्ट्रीय अध्यक्ष पूनम महाजन भी उपस्थित रहे। युवा विजय संकल्प महारैली में शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि मध्य प्रदेश के विधानसभा चुनाव में वोट बीजेपी को ज्यादा मिले लेकिन सीटें कांग्रेस को मिली। कांग्रेस की लंगड़ी सरकार बनी है, चाहते तो हम भी लंगड़ी सरकार बना सकते थे लेकिन हम शानदार बहुमत वाली सरकार बनाएंगे। तो साफ तौर पर रैलियों का दौर, एक तरफ भारतीय जनता पार्टी है तो दूसरी तरफ विपक्ष की एकजुटता है, जिसमें कभी कभी गठबंधन की तस्वीर साफ होने लगती है, कभी कभी प्रेस कॉन्फ्रेंस के जरिए तो कभी एक रैली के जरिए यह दिखाने की कोशिश होती है कि मोदी विरोध में और बीजेपी के विरोध में पूरा विपक्ष एकजुट है और एकजुटता दिखाते हुए 2019 के दंगल में उतरेंगे। लेकिन साफ तौर पर कल ममता की रैली हुई, उसके बाद आज विजय संकल्प महारैली का आयोजन दिल्ली के रामलीला मैदान में किया गया है। साफ है कि ये दिखाना चाहते हैं, बीजेपी दिखाना चाहती है विपक्ष को कि हम भी किसी से कम नहीं है, हमने ये मीटिंग की है और इस मीटिंग के जरिए हम कार्यकर्ताओं में हुंकार भरेंगे और दिखाने की कोशिश करेंगे कि पूरा विपक्ष एक तरफ है तो बीजेपी की ताकत एक तरफ है, सिर्फ ये संकल्प रैली के माध्यम से हमने इतना दिखा दिया, इतना बता दिया, आगे अभी तो पिक्चर बाकी है। तो साफ तौर पर पार्टी अपनी अपनी प्राथमिकताओं के तौर पर जनता के बीच उतरने को तैयार है लेकिन विपक्ष एकजुट हो रहा है तो यहां बीजेपी की मुश्किलें बढ़ रही। लेकिन साफ तौर पर एक सवाल जो गठबंधन के लिए भी पेच फंसा हुआ है कि आखिर विपक्ष का नेता कौन होगा, इस पर कहीं ना कहीं वैकल्पिक रूप से विचार विमर्श हो रहा है लेकिन अभी कोई भी अपने पत्ते खोलने को तैयार नहीं, क्योंकि हो सकता है अगर यह खुलेगा तो बीजेपी के लिए फायदेमंद चुनाव में साबित हो सकता है। इसलिए कोई भी पार्टी का नेता यह नहीं चाहता कि कुछ नामों को आगे किया जाए। कई रैलियां करते हैं, उनको जवाब देने की आवश्यकता के नेता एनडीए के नेता हैं श्रीमान नरेंद्र मोदी जी, जो केवल देश नहीं दुनिया के सर्वाधिक लोकप्रिय नेता हैं, और दूसरी तरफ कहीं की ईंट कहीं का रोड़ा, जिनका सेनापति तय नहीं है। शादी की तैयारी हो गई, बैंड बाजे बज रहे हैं, बराती खड़े हैं, घोड़ी आ गई, बैठेगा कौन ये तय ही नहीं है, बोले वो बाद में देखा जाएगा। दिल नहीं मिले, केवल हाथ मिलाने से कुछ नहीं होता, पर ऐसे अवसरवादी लोग जिन्होंने अपने अपने राज्य में भी जनता के साथ कभी न्याय नहीं किया, जनता को छला है, वो भारतीय जनता पार्टी और मोदी जी का जवाब नहीं हो सकता। माननीय शिवराज सिंह चौहान पटका पहनाकर स्वागत करेंगे। भारत माता की वंदे। साहब शिवराज सिंह चौहान ने ये कह ही दिया कि बारात तैयार है, बाराती भी तैयार है लेकिन दूल्हा कौन होगा इस पर संशय बरकरार है। हमारे बीच में सब माननीय शिवराज सिंह चौहान जी का स्वागत करेंगे। माननीय शिवराज सिंह चौहान जी का पटका पहनाकर स्वागत करेंगे। भारत माता की वंदे। कोलकाता में तृणमूल कांग्रेस प्रमुख ममता बनर्जी द्वारा आयोजित की गई रैली में 22 पार्टियों से अधिक नेता शामिल हुए। यही नहीं, पूर्व केंद्रीय मंत्री यशवंत सिन्हा और अरुण शौरी भी इस रैली में शामिल हुए और जमकर पीएम मोदी पर निशाना साधा। इन सब के अलावा इन सबके बीच रैली में बीजेपी सांसद शत्रुघ्न सिन्हा भी शामिल हुए। शत्रुघ्न सिन्हा के रैली में शामिल होने पर पार्टी ने कार्रवाई करने के संकेत दे दिए हैं। भाजपा प्रवक्ता और सांसद राजीव प्रताप रूढ़ी ने मीडिया से बात करते हुए कहा कि पार्टी शत्रुघ्न सिन्हा पर संज्ञान ले चुकी है। वहीं पटना में बीजेपी के यूथ कार्यकर्ताओं ने शत्रुघ्न सिन्हा के खिलाफ प्रदर्शन किया और जमकर नारेबाजी की। कार्यकर्ता शत्रुघ्न सिन्हा को पार्टी से निकालने की लगातार मांग चल रही है। तस्वीरें हम आपको टीवी स्क्रीन पर दिखा रहे हैं, किस तरह से प्रदर्शन यूथ विंग की तरफ से किया जा रहा है और पुतला जलाया गया, पोस्टर पर किस तरह से काली पोती गई, तो तस्वीरें साफ तौर पर सामने हैं। और शत्रुघ्न सिन्हा जिस तरह से विपक्ष की
एकजुट रैली जिसको कह सकते हैं, जिसमें से 22 पार्टियों के नेता शामिल हुए थे, और जिस तरह से उस रैली में आगाज किया गया, प्रधानमंत्री के खिलाफ हमले किए गए, बीजेपी के खिलाफ, अमित शाह और मोदी के खिलाफ वहां बोला गया, तो उसमें सहमति बताते हुए शत्रुघ्न सिन्हा भी उस मीटिंग में शामिल हुए। और उस मीटिंग में उन्होंने साफ तौर पर यह कहा कि जब जहां अहंकार आ जाता है वहां स्थितियां गंभीर हो जाती है, पार्टी अगर मुझे निष्कासित कर भी देती है तो इस बात का मुझे कोई गम नहीं है, लेकिन सच के साथ मैं खड़ा हूं, खड़ा रहूंगा। तो ये सब कल हुआ और ये आज जो हो रहा है इसकी तस्वीर आप सभी के सामने। उधर राजस्थान के डिप्टी सीएम सचिन पायलट का कहना है कि सरकार किसानों और प्रदेश के जनता की सरकार है, सरकार का काम जनता को पसंद आ रहा है और हम लोकसभा चुनाव में सभी सीटों पर विजयी होंगे। हम लोगों ने उस दिशा में काम करना शुरू किया है। नीचे रखो यार, किसानों के ऊपर जो आर्थिक संकट है उसको खत्म करें, नौजवानों के लिए नए अवसर ढूंढें, और जैसा राहुल जी ने हमको कहा कि सरकार और जनता के बीच में जो पहले दूरियां थी उसको खत्म करना पड़ेगा। बीजेपी की सरकार में घमंड और अहंकार का शासन था, अब जनता की सरकार बनी है और लगातार लोगों से, कार्यकर्ताओं से, आम जन से चर्चा करने के बाद हम लोग अपनी नीतियां बना रहे हैं, चाहे आकार राहत हो, चाहे किसानों की ऋण माफी हो, चाहे हमारे नरेगा के काम हो, तमाम क्षेत्रों पर हमने अपना ध्यान फोकस किया है। मुझे खुशी है कि जनता को हमारे सारे कामों के ऊपर विश्वास है और आने वाले समय में सारे वादों को पूरा करेंगे। सर, लोकसभा चुनाव की भी तैयारी? हमारी पार्टी ने कई दिन पहले से अलग अलग लोकसभा क्षेत्र के जो हमारे कार्यकर्ता हैं जमीनी स्तर पर, उन सबसे संवाद कायम किया है और हमारी पार्टी का संगठन तहसील, ब्लॉक, जिला, बूथ लेवल तक हम लोग तैयारी कर रहे हैं और समय से पहले हम लोग चाहते हैं कि अपने उम्मीदवारों का चयन कर लें और पूरी हमारे जो संगठन की तैयारियां लगभग पूरी हो चुकी हैं। चुनाव खैर बहुत जल्द होंगे और ये चुनाव ऐसे हैं जहां सरकार बनने के बाद मुझे लगता है कि मध्य प्रदेश में एक और बीजेपी नेता की हत्या कर दी गई। स्थानीय नेता मनोज ठाकरे का शव बलवाड़ी सेंधवा रोड पर मिला है। शुरुआती जांच में इसे हत्या का मामला माना जा रहा है। बीजेपी नेता सुबह सुबह सैर पर निकले थे और उनके चेहरे पर चोट के गंभीर निशान मिले हैं। बता दें कि बीते 4 दिनों में बीजेपी के नेता की हत्या का यह दूसरा मामला है। इससे पहले मंदसौर में वरिष्ठ बीजेपी नेता और नगर पालिका अध्यक्ष प्रहलाद बंदवार की अज्ञात बदमाशों ने गोली मारकर हत्या कर दी थी। मनोज ठाकरे की हत्या को लेकर पूर्व सीएम शिवराज सिंह चौहान ने कांग्रेस सरकार में कानून व्यवस्था पर सवाल खड़े कर दिए। पूर्व सीएम शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि सरकार इसे हल्के में ले रही है। बीजेपी नेता प्रहलाद बंदवार की 25,000 रुपए के लिए हत्या का तर्क गले से नहीं उतर रहा है। इसके पीछे किसी गहरे षड्यंत्र की आशंका है। इसकी सीबीआई जांच होनी चाहिए। अपराधी बेखौफ हो गए हैं, लोग सरेआम मारे जा रहे हैं। क्या कांग्रेस का नारा वक्त है बदलाव का ऐसा ही वक्त लाने के लिए था? घटना में हमारे नेता प्रहलाद बंदवार जी की हत्या हुई है, उसकी सीबीआई से जांच की मांग की है और मैंने मुख्यमंत्री को भी पत्र लिखकर कहा है कि कानून और व्यवस्था की स्थिति को वो नियंत्रित करें, नहीं तो अपराधी अब खुल के खेल रहे हैं। कर्नाटक का सियासी नाटक अभी खत्म नहीं हुआ है। कांग्रेस के 4 विधायक जो शुक्रवार को विधायक दल की बैठक से नदारद थे, अब उनका बीजेपी में जाना लगभग तय माना जा रहा है। कांग्रेस अपने विधायकों रमेश जरकीहोली और महेश कुमार टल्ली के खिलाफ दल बदल कानून के अंतर्गत कारण बताओ नोटिस जारी करेगी, जिससे कि ये चुने गए विधायक अयोग्य हो जाए। कर्नाटक में कांग्रेस की मुश्किलें खत्म होने का नाम नहीं ले रहीं। कांग्रेस विधायक दल की बैठक में गैर हाजिर रहे 4 पार्टी विधायक भी सामने नहीं आए। सियासी पंडितों की माने तो इन 4 विधायकों का बीजेपी में जाना लगभग तय माना जा रहा है। संकट को टालने के लिए जेडीएस कांग्रेस गठबंधन सरकार में कांग्रेस के कई वरिष्ठ मंत्रियों के इस्तीफे के प्रस्ताव पर मंथन हुआ। इसके साथ ही सियासी हालात पर चर्चा के लिए कांग्रेस ने एक बैठक भी बुलाई। कांग्रेस अब विधायक रमेश जारकीहोली और महेश कुमार तल्ली को दल बदल विरोधी कानून के तहत कारण बताओ नोटिस जारी करेगी। इसके तहत निर्वाचित विधायकों की सदस्यता रद्द की जा सकती है। कांग्रेस सूत्रों के मुताबिक ये साबित करने के लिए पर्याप्त साक्ष्य हैं कि दोनों ने विधायक दल की बैठक में न शामिल होकर पार्टी के आदेश का उल्लंघन किया। वो भी अननेचुरल अलायंस था, जेडीएस कांग्रेस के खिलाफ लड़ी थी, और मिलकर सरकार बनाना, केवल सरकार बनाने की खातिर सरकार बनाना, ये और वहां पर गठबंधन में ना मुख्यमंत्री तक जब जहां रोता है
और मुख्यमंत्री कहता है मैं क्लर्क हो गया हूं, तो वो क्या गठबंधन चलेगा और कैसे चलेगा। बैठक में शामिल न होने वाले दो अन्य विधायकों पर पार्टी ने अभी इंतजार करने का फैसला किया है। यादव अब भी बीजेपी के पाले में आ सकते हैं, क्योंकि कांग्रेस के वरिष्ठ नेता मल्लिकार्जुन खड़गे के खिलाफ कलबुर्गी लोकसभा सीट पर पार्टी उन्हें टिकट दे सकती है। उन्होंने अपने खत में तकनीकी आधार पर आयोजित बैठक में पहुंच पाने में असमर्थता जाहिर की थी। पार्टी में चल रहे संकट के बीच राज्य कैबिनेट मंत्री डीके शिव कुमार ने बताया कि पार्टी के हित में कई वरिष्ठ कांग्रेस नेता और वो खुद गठबंधन सरकार में अपने अपने मंत्री पद से इस्तीफा देने को तैयार हैं। उन्होंने कहा कि कांग्रेस में मतभेद को खत्म करने के लिए वरिष्ठ मंत्रियों के इस्तीफे के विकल्प पर चर्चा हुई है। इस बीच दो अन्य कांग्रेस विधायकों के बीच अनबन की भी खबर है। कांग्रेस विधायक आनंद सिंह और जेएन गणेश के बीच कथित विवाद पर रिएक्शन देते हुए डीके शिव कुमार ने कहा उनके बीच कोई झगड़ा नहीं, ये एक फर्जी खबर है, पूरी कांग्रेस पार्टी एकजुट है। इन सबके बीच हरियाणा के गुरुग्राम के पास एक फाइव स्टार होटल में करीब एक हफ्ते गुजारने के बाद बीजेपी विधायक बेंगलुरु लौट आए। साथ ही जो कांग्रेस विधायक कर्नाटक के रिजॉर्ट में रुके हैं जल्दी बेंगलुरु के लिए रवाना होंगे। नेशनल डेस्क, टोटल न्यूज। चलिए ब्रेक के बाद आप सभी का स्वागत है। अयोध्या में राम मंदिर निर्माण को लेकर सियासी रस्साकस्सी और बहस जारी है। इस बीच विश्व हिंदू परिषद का कहना है कि अगर कांग्रेस लोकसभा चुनाव के अपने घोषणा पत्र में राम मंदिर निर्माण का मुद्दा शामिल करेगी तो समर्थन पर विचार कर सकते हैं। संगठन कार्यकारी अध्यक्ष आलोक कुमार ने कहा कि राम मंदिर के लिए जिन्होंने खुले तौर पर वादा किया है, अगर कांग्रेस घोषणा पत्र में यह शामिल करे कि मंदिर बनाएंगे तो कांग्रेस के बारे में हम विचार करेंगे। वहीं मामला बढ़ता देख आलोक कुमार ने अपने बयान पर सफाई देते हुए कहा कि कांग्रेस को समर्थन का कोई प्रस्ताव नहीं दिया गया है, वीएचपी किसी राजनीतिक दल का समर्थन नहीं करती है। साथ ही उन्होंने कहा कि राम मंदिर मुद्दे पर सभी दलों का समर्थन जुटा रहे हैं। तो राम मंदिर के मुद्दे पर लगातार वीएचपी का कहना है कि अगर कांग्रेस इस मुद्दे को शामिल करती है घोषणा पत्र में तो हो सकता है कि हम कांग्रेस का समर्थन कर सकते हैं, लेकिन इस बात से दरकिनार उन्होंने ये भी बात कह दी है कि ऐसी कोई बात नहीं कि हम कांग्रेस समर्थन करेंगे, लेकिन साफ तौर पर हमारा मेन जो मकसद है वो राम मंदिर है। क्योंकि अगर बात की जाए शुरुआती दौर की तो वीएचपी ने ही राम मंदिर के मुद्दे को हवा दी थी शुरुआती दौर में, उसके बाद बीजेपी भी समर्थन में उतरी थी, शिवसेना भी समर्थन में उतरी थी कि हम भी राम मंदिर निर्माण का रास्ता साफ करेंगे। उसके बाद बीजेपी के तत्कालीन राष्ट्रीय अध्यक्ष लालकृष्ण आडवाणी ने रथ यात्रा की शुरुआत की थी वीएचपी के साथ मिलकर, तो वीएचपी का एक अहम रोल था जिसमें बीजेपी का समर्थन था। लेकिन इस बार के चुनाव में यह देखने को मिल रहा है, क्योंकि 2014 का जब चुनाव हुआ तो राम मंदिर के बारे में खूब चर्चा हुई, वीएचपी भी इसकी चर्चा के तहत प्रचार मैदान में उतरी थी कि भारतीय जनता पार्टी को जिताइए तो राम मंदिर बनेगा। लेकिन इस बात के जो राजनीतिक समीकरण बन रहे हैं वो काफी भिन्न नजर आ रहे हैं, अलग नजर आ रहे हैं, क्योंकि जिस तरह से देखा जाए वीएचपी लगातार राम मंदिर को लेकर मीटिंग कर रही है, रैलियां कर रही हैं। अगर बात की जाए 25 नवंबर को तो 25 नवंबर को भी एक रैली हुई थी जहां सभी लोग एकत्रित हुए थे राम मंदिर को लेकर, वीएचपी वहां आई थी, उसके साथ शिवसेना भी वहां पहुंची थी, लेकिन बीजेपी का कोई भी नुमाइंदा वहां नहीं पहुंचा था। तो साफ तौर पर इस बार बीजेपी ने समर्थन नहीं किया, जिस वजह से कि राम मंदिर को लेकर आलोक कुमार ने जिस तरह का बयान दिया है कि कांग्रेस अगर राम मंदिर को अपने घोषणा पत्र में लाती है तो हम समर्थन करेंगे, लेकिन इस बात से फिलहाल उन्होंने पलटी खा ली। राम मंदिर निर्माण को लेकर बीजेपी के सीनियर नेता अनिल जैन से बात की हमारे संवाददाता ललित मोहन कानपाल। बनाना होता तो स्वतंत्रता के बाद अब तक बना देते, ये सब इन्होंने आज तक कुछ कहना नहीं है, केवल और झूठ फैलाना होता है। राम मंदिर भारतीय जनता पार्टी के राज में ही बनेगा और भव्य और उसी स्थान पर राम मंदिर बनेगा। सर लेकिन विश्व हिंदू परिषद ने भी कल बयान दिया पहले कि अगर कांग्रेस ऐसा कह रही है तो अपने समर्थन में शामिल करे, उसको अपने मैनिफेस्टो में शामिल करे, लेकिन आज वो थोड़ा पलट गए हैं अपने बयान से। ना ठीक है, अगर करे हिम्मत है तो कांग्रेस शामिल, विश्व हिंदू परिषद ने ठीक ही कहा है, करे हिम्मत है तो राम मंदिर का विश्व हिंदू परिषद तो सबसे समर्थन के लिए कहेगी करे, लेकिन खाली जनेऊ पहनने से हिंदू नहीं होते। लेकिन सर मैनिफेस्टो में मुद्दा आने से कौन सी बड़ी बात हो जाएगी, अगर ऐसा होता है तो क्या लगता है? उनको कमिटे होंगे, देश के सामने जाए ना, खुल के देश के सामने आए। ठीक है, कुल मिलाकर जो है
अनिल जैन बता रहे हैं कि अगर कांग्रेस वास्तव में ये बात कह रही है तो उसको अपने मैनिफेस्टो में इसको शामिल करना चाहिए। अब देखना होगा कि कांग्रेस इस बात का क्या जवाब देती है। कैमरा पर्सन शूरवीर के साथ ललित नारायण कांडपाल, टोटल न्यूज दिल्ली। 2019 के लोकसभा चुनाव को अभी वक्त है, लेकिन राजनेताओं के एक दूसरे पर जुबानी हमले अभी से तेज हो गए हैं। जुबानी हमले भी ऐसे हैं जो आपको यह सोचने पर मजबूर कर देंगे कि आखिर हमारे देश की राजनीति किस ओर जा रही है। रिपोर्ट देखिए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और बीजेपी अध्यक्ष अमित शाह बीजेपी को अनुशासित और कर्तव्यनिष्ठ पार्टी बताते हैं, लेकिन बीजेपी के सांसद पीएम के इन दावों की धज्जियां उड़ा रहे हैं। दरअसल मुगलसराय से विधायक साधना सिंह ने पूर्व मुख्यमंत्री मायावती को लेकर अभद्र भाषा का इस्तेमाल किया है। उन्होंने एक जनसभा के दौरान कहा कि मायावती न तो पुरुष हैं और न ही महिला लगती हैं। इनको अपना अपमान भी समझ में नहीं आता है। जिस महिला का इतना बड़ा चीरहरण हुआ, आज की इस महिला का सब कुछ लूट गया, उसके बाद भी कुर्सी पाने के लिए अपने सारे सम्मान को बेच दिया, ऐसी महिला नाम लेने वाली मायावती का हम इस कार्यक्रम के माध्यम से तिरस्कार करते हैं। हमको तो उत्तर प्रदेश की पूर्व मुख्यमंत्री न महिला में लगती है न जज में लगती है, इनको तो अपना सम्मान ही नहीं समझ में आता। जिस महिला का इतना बड़ा चीरहरण हुआ, एक चीरहरण हुआ द्रौपदी का, तो उसने कौरव पांडव से प्रतिज्ञा लिया कि जब तक दुशासन हमारा जैसे बाल खींच के लाया है, जब तक उसके कंधे का लोह हमें नहीं मिलेगा, हम ये अपमान ये बाल को बांधेंगे नहीं, धुलेंगे नहीं। आज वो महिला एक स्वाभिमानी महिला थी, आज की महिला सब कुछ लूट गया, उसके बाद भी कुर्सी छड़ पाने के लिए अपने सारे सम्मान को बेच दिया, ऐसी महिला लेने वाली मायावती जी का हम इस कार्यक्रम के माध्यम से तिरस्कार करते हैं, तो महिला नारी जात पे कलंक है। साधना सिंह जिस समय मंच से बोल रही थी, उस समय बीजेपी नेता पंकज सिंह भी मंच पर मौजूद थे। वहीं साधना सिंह के इस बयान के बाद भतीजा अखिलेश ने बीजेपी पर हमला किया। अखिलेश ने ट्वीट किया कि ये बीजेपी का नैतिक दिवालियापन और हताशा का प्रतीक है। वहीं बीएसपी का कहना है कि पार्टी की मुखिया के लिए अभद्र भाषा का इस्तेमाल किया गया। लगता है कि एसपी बीएसपी गठबंधन के बाद बीजेपी के नेताओं ने अपना मानसिक संतुलन खो दिया है, लिहाजा उन्हें आगरा और बरेली के मानसिक अस्पतालों में भर्ती होना चाहिए। अध्यक्ष मयंक मायावती जी और समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव जी ने एक अलायंस बनाया है, उस समय से बहुत ही बौखला गए हैं, घबरा गए हैं। वो देख रहे हैं कि उनकी कुर्सी छिनने वाली है, और वो कुर्सी इसलिए छिन रही है क्योंकि वो भारत के संविधान के खिलाफ है, इस देश के लोकतंत्र के खिलाफ है, इस देश के जो धर्मनिरपेक्षता है उसके खिलाफ है, इसीलिए अब वो कुर्सी उनसे छिनने जा रही है। तो बौखला गए हैं और अनाप शनाप बयान दे रहे हैं। वहीं केंद्रीय मंत्री रामदास अठावले ने कहा कि हमारी पार्टी बीजेपी के साथ है, लेकिन हम मायावती के खिलाफ बदी टिप्पणी से सहमत नहीं हैं। वो हमारे दलित समुदाय की एक सशक्त महिला और बढ़िया प्रशासक है। हमारी पार्टी से कोई ऐसा करेगा तो हम निश्चित ही उस पर कार्रवाई करेंगे। तो मुझे लगता है कि जो टिप्पणी की है उससे हम सहमत नहीं है, और ऐसी टिप्पणी अभी ठीक है, अभी वो पार्टी तय करेगी। अगर मेरी पार्टी का कोई होता था तो मैं कार्रवाई करता था, लेकिन ठीक बात है, अभी वो तो जिम्मेदारी उनकी है। लेकिन ये जो गलत बयानबाजी है, ये बीजेपी के किसी नेता ने किसी एमएलए ने नहीं करना चाहिए, ऐसा मुझे लगता है। इससे पहले राष्ट्रीय महिला आयोग ने बीजेपी विधायक साधना सिंह के बयान पर संज्ञान लेते हुए नोटिस भेजने की बात कही है। वहीं आप विधायक अलका लामा ने ट्वीट कर सीधे प्रधानमंत्री मोदी पर हमला किया। अलका लामा ने लिखा, कौन कहता है कि किन्नर बदतर होते हैं, बदतर तो ऐसी सोच वाले होते हैं, माया तो नारी है, बस आजकल एक 56 इंच के सीने के मर्द पर भारी है। वैसे ये पहली बार नहीं है जब बीजेपी के किसी नेता ने मायावती को लेकर इस तरह के आपत्तिजनक बयान दिए हैं। इससे पहले जुलाई 2016 में यूपी में पार्टी के तत्कालीन उपाध्यक्ष दयाशंकर सिंह ने भी मायावती को वैश्या से बदतर चरित्र वाला नेता बताया था, जिस पर हुए विवाद के बाद पार्टी ने उन्हें निलंबित कर दिया था। आज की तारीख में उत्तर प्रदेश की सरकार में दयाशंकर सिंह की पत्नी स्वाति सिंह मंत्री हैं, और दयाशंकर सिंह की भी पार्टी में वापसी हो चुकी है। अब देखना होगा साधना सिंह पर क्या कार्रवाई होती है। नेशनल डेस्क, टोटल न्यूज।
प्रयागराज में चल रहे आस्था के महापर्व कुंभ मेले को लेकर देश भर में उत्साह देखने को मिल रहा है। देश भर से साधु संतों के अखाड़ों की पेशवाई रोजाना कुंभ में रौनक बढ़ा रही है। कुंभ का आयोजन हर 12 साल पर किया जाता है, इस बार यह धार्मिक नगरी प्रयागराज में हो रहा है। कुंभ के चलते यहां व्यवस्था एकदम दुरुस्त है। कुंभ के सफल आयोजन के लिए प्रशासन भी कोई कोर कसर नहीं छोड़ रहा है। लाखों की तादाद में श्रद्धालु यहां स्नान के लिए पहुंच रहे हैं।